सभी को नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। इस वीडियो में हम उनसे टाटा क्यूआर वीवीएफके के बारे में बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने भारत में एक विशेष इलेक्ट्रिक एसयूवी अवधारणा का अनावरण किया है, जिसे टाटा कव इलेक्ट्रिक एसयूवी कहा जाता है, जिसमें कूप स्टाइल बॉडी है। जहां टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में लंबी दूरी की नेक्सॉन ईवी और अल्ट्रोज ईवी लॉन्च करने की योजना बना रही है, वहीं नई एसयूवी अवधारणा ईवीएस पर ब्रांड के भविष्य के दृष्टिकोण को उजागर करती है। टाटा मोटर्स के अनुसार कर्व एक इलेक्ट्रिक पहली एसयूवी होगी और लेटरल में पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलेंगे। टाटा कर्व ईवी को कूपे रूफलाइन के साथ डिजाइन किया गया है और यह ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित टाटा सियेरा एफ कॉन्सेप्ट का एक विकास है। टाटा के अनुसार कर्व ईवी को मिड साइज एसयूवी के ऊपर और प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट के नीचे रखा जाएगा। अपनी दूसरी जीन में यह एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जारी की गई तस्वीरों के अनुसार फ्रंट में एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स डीआरएल हैं, जो बोनट क्रीज की चौड़ाई साइड से और ओआरवीएम में फैले हुए हैं। प्राथमिक हेडलाइट्स वाहन के बम्पर पर स्थित हैं। हेडलाइट इकाई को त्रिभुज के आकार के आवरण में रखा गया है। जारी की गई तस्वीरों के अनुसार फ्रंट में एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स डीआरएल हैं, जो बोनट क्रीज की चौड़ाई साइड से और ओआरवीएम में फैले हुए हैं। प्राथमिक हेडलाइट्स वाहन के बम्पर पर स्थित हैं। हेडलाइट इकाई को त्रिभुज के आकार के आवरण में रखा गया है। ग्रे मशीन कट अलॉय व्हील भी देखे जा सकते हैं, जबकि मुख्य आकर्षण कूप बॉडी डिजाइन है। वाहन के पिछले हिस्से पर टाटा और ईवी के लोगो लगे हुए हैं। अपनी घुमावदार पिछली विंडशील्ड और स्लीक रूफ माउंटेड स्पॉइलर के साथ एसयूवी कॉप भविष्यवादी दिखती है। इस मॉडल के लिए नेक्सॉन को सपोर्ट करने वाले एक्सेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले दरवाजे लंबे होंगे, छत को पतला किया जाएगा और पूरे बैक एंड को लंबे समय तक ओवरहैंग के साथ फिर से डिजाइन किया जाएगा। व्हील बेस के लगभग 50 मिलीमीटर बढ़ने की उम्मीद है। यह लगभग 4.3 मीटर लंबा होने का अनुमान है। एक बैटरी पैक और 400 किलोमीटर रेंज पहले आने वाली टाटा कूपे एसयूवी के लिए अफवाह थी। एसयूवी ईंधन कुशल टर्बो चार्ज पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी उपलब्ध होगी।